दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग पे पुनीता गुसाई में। अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं एकदम से फ्रेश, और ब्रेकफास्ट तो मैं जल्दी ही कर लेती हूँ क्योंकि रात भर फीडिंग करती है मेरी बिट्टू, तो इस वजह से। और दीपक एंड प्रिया चले गए हैं, प्रिया नाश्ता बना के चले जाती है और दीपक ड्यूटी भी गया है, वो अब डायरेक्ट शाम को आएंगे। तो मैंने यहाँ पे नाश्ता उन लोगों के साथ करके फिर से मैं अलाया के साथ यहाँ पर सो जाती हूँ। और क्योंकि अलाया मुझे ढूंढती है, नहीं तो एकदम से वो उठ जाती है, अगर मैं उसको नहीं दिखूँगी ना वो उठ जाती है, इसलिए मैं उसके साथ ना आराम से लेटी रहती हूँ। तो 9 बजे मैं यहाँ पर उठ जाती हूँ, तो यहाँ पर अलाया ने पूरा बिखेरा हुआ है उसको मैं समेट रही हूँ क्योंकि इसके बाद मेरा सारा काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अलाया ने अपने हेयर बैंड वगैरह फैलाए हुए थे, वहाँ पे अलाया के पापा कल शाम को बैठे हुए थे, तो सारी चीज़ें ऐसे ही फैली हुई हैं। तो मैंने एक एक करके इनको रखा और जितनी चीज़ें अनऑर्गेनाइज हुई थी उनको ऑर्गेनाइज करके रखा मैंने। उसके बाद थोड़ा ना झाड़ू मारने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप ऐसे भी नहीं दिखते, अब बोलो, अब यहाँ से दिख रहे हो, देखो आप अब दिख रहे हो, आप अच्छे से देखो। हाय गाइस, लो अब बोलो, अब बोलो। क्यूट हाई गाइज बोलती है ना, सच में वो ना कैमरे में मुझे बिल्कुल नहीं आने देती, और सच में मुझे भी नहीं पता वो कब ऐसा बोलना सीखी। एक दिन मैंने उसे फ़ोन दिया हुआ था तो फ़ोन पकड़ के ना हाई गाइज करती है और ना कहती है कैचे हो आप, क्या कर ले हो, इस तरीके से ना ये बात करती है। तो जहाँ पे ये देखती है ना मैंने कैमरा ऑन कर दिया, वहाँ पर आके ना खड़ी हो जाती है। लेकिन ना मैं उससे कहती हूँ ना थोड़ा कैमरे के पीछे जाना तो एकदम से क्लियर आएगी, लेकिन उसे लगता है मुझे बिल्कुल कैमरे के आगे आना है, तो उसका सिर्फ फॉरहेड दिखाई देता है। उसके बाद वो हाई गाइज लगी रहती है पूरे दिन भर। अगर उसके पास आपने फ़ोन छोड़ दिया तो वो पूरा व्लॉग बना देती है ऐसे करके, यूँ हाथ आगे करती है और पूरा हाय गाइज हेलो गाइज, बस क्योंकि अभी जो जस्ट 18 मंथ की ही है तो उसको इतना ही आता है बोलने के लिए, तो सारा बोल देती है जो जो हम बोलते रहते हैं उसके पीछे पीछे, वो वैसे ही रिपीट कर देती है। लेकिन जो वो खुद से कहती है ना हाय गाइज हेलो गाइज के अच्छे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई थी मैंने पहले इनको सब एक साथ रख दी है अच्छे से झाड़ के, ये मैट वगैरह ये जितनी भी चीज़ें थी मैंने इनको झाड़ के ना अलाया की कार के ऊपर रख दी, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे कुछ टेबल वगैरह नहीं है जिसमें मैंने रखूं। तो यहाँ पे मैंने वही सारी चीज़ें रख दी है, अलाया की चप्पल और सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ उसकी जगह पे ही। आता है हमारा कमरा, अलाया बहुत ही ज़्यादा बिखेर के रख देती है रात को, क्योंकि रात को तो टाइम से सोती नहीं है। तो ये जितने भी ब्लैंकेट वगैरह थे, अब तो गर्मियों का मौसम आने लग चुका है तो इसलिए हम हल्की ही ब्लैंकेट यहाँ पे रख रहे हैं, फिर भी हमने थोड़ा बहुत निकाल के रखा हुआ है। अलाया के मैंने टॉयज उनकी जगह पर रख दिए है, और अपना कमरा मैंने अच्छे से मैंने बिस्तर विस्तर झाड़ वाड़ के ब्लैंकेट लगा के, और ये जो सारी चीज़ें इनको एक साथ समेट के मैंने यहाँ पर अच्छा सा क्लीन कर दिया, ताकि मुझे जो है ना झाड़ू लगाने में थोड़ा सा आसानी हो। मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका क्या है, अगर उसको हम कार्टून भी लगा देंगे ना तो उसको एक इंसान ना अपने सामने परमानेंट चाहिए होता है, एक पर्सन तो उसके सामने ही बैठा होना चाहिए। तो बस मेरे आगे फ्रिज घूमती फिरती रहती है, जो मेरी जो अच्छे से क्लीनिंग होती है ना मेरी सैटरडे संडे ही होती है, क्योंकि सैटरडे संडे दोनों का ऑफ होता है, मतलब मेरी सिस्टर को तो वर्क फ्रॉम होम होता है लेकिन दीपक की छुट्टी होती है, फिर वो इसे अच्छे से देख लेता है और मैं यहाँ पर अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। और उसके साथ अगर मैं जो किचन में अगर रह गई तो किचन में तो मुझे जाने ही नहीं देती, किचन की सफाई मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है डेली बेसिस में करना। और उसके बाद मैंने यहाँ पे उसके लिए कार्टून लगा लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेडशीट लगा ली है अपनी अच्छे से। आप लोग सोच रहे होंगे हम नीचे क्यों, क्योंकि ना मैंने बहुत टाइम पहले से ही डिसाइड किया था कि ना हम नीचे रहेंगे, क्योंकि ना अलाया को गिनने का डर रहता है, तो अभी फ़िलहाल हमने सोचा कि हम ना नीचे रह लेते हैं, और फिर हम न्यू जगह भी शिफ्ट हुए, फिर यहाँ पे हमने फिर इस वजह से बेड भी नहीं लिया है, लेकिन सोच रहे हैं अब हम बेड ले लें। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ये मैट वगैरह सारी सब कुछ एक साइड रख दी है, और ये अलाया के पापा ना मॉर्निंग में डंबल वगैरह करते हैं तो ये अंदर ही रख देते हैं, बाहर ये रखते ही नहीं है। रोज़ हमारी इसी चीज़ में बहस होती है ना, आप इसको बाहर रख दिया करो, और मुझे ना क्योंकि इसको ले जाना पड़ता है, और अलाया कभी अपने हाथ पैर में चोट लगा दे तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें समेट दी, और जितने भी कपड़े थे ना, ये जितने भी मुझे कपड़े धोने होते हैं मैं एक दिन बाद छोड़ के धोती हूँ, क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन रोज़ नहीं चलाती हूँ, तो मैं
अपने जो जितने भी सारे कपड़े थे मैंने यहाँ पे तब तक मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, क्योंकि जितने टाइम में मेरे कपड़े धुलते रहेंगे उतने टाइम में मेरा एक पोर्शन वाला काम तो कंप्लीट हो ही जाएगा, जैसे किचन का हो जाएगा या झाड़ू ही लग जाएगा मेरा। तो इस वजह से मैंने अपने जो जितने भी कपड़े हैं ये मैं अपनी वॉशिंग मशीन में ले जा रही हूँ और ये धुलते रहेंगे। अलाया अपनी टीवी देखती रहेगी और मैं यहाँ पे फटाफट इस बीच में मैं अपना किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले ना मुझे किचन ही साफ़ करना होता है, क्योंकि अलाया का कब मूड चेंज हो जाए वो मुझे किचन में जाने ही नहीं देती। उसे लगता है मैं किचन में चले गई तो कहती है मम्मा गोदी उठाओ, और अपने को कहती है कि मुझे ना यहाँ पर बैठाओ, स्लैब में बैठाने को कहती है। उसके बाद वो वहाँ पर ऐसी तहस नहस कर देती है, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं किचन का काम कितनी जल्दी निपटा सकूँ। पहले मैं यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद मैं वो सामान ना उसी जगह पे रखती हूँ जहाँ पे वो रहता है। अभी जो चीज़ मुझे लगती है ना मैं यहाँ पे इन सबको समेट के एक लॉन्ड्री बैग में रख देती हूँ, कभी साइड में जो टेबल रहता है वहाँ पे रख देती हूँ। ये प्रिया का रूम है तो मैं प्रिया के रूम पे आती हूँ। यहाँ पे भगवान जी का भी मतलब हमने ऐसे रूम बनाया हुआ है, तो ये अलाया का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और ये वाला पोर्शन तो उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ टिकने नहीं देती है, लोशन से लेके लिपस्टिक से लेके ये सारी चीज़ें तहस नहस कर देती है। तो ये रूम ना मैं मोस्टली बंद ही रखती हूँ, तो यहाँ पे मैं बस देखने आई थी क्योंकि मुझे प्रिया का बेडशीट थोड़ा सा सही करना था और ये सही करने तो देती है नहीं। तो मैंने मशीन लगा ली है, मैंने 15 मिनट्स की यहाँ पे मशीन लगा ली है और इस 15 मिनट में या तो मैं झाड़ू लगाऊंगी या तो मैं अपना किचन का काम करूंगी। जाती हूँ यहाँ पे किचन में जब तक मेरे कपड़े धुलते हैं, और ये चिया सीड्स है जो बादाम में प्रिया रोज भिगा के जाती है, मुझे रोज़ सुनाती है तुझे पता है ये कैसे तू इसको खाती नहीं है, कैसे इसको पीती नहीं है, इतने कॉस्टली आते हैं तू फिर भी इसको सारा वेस्ट कर देती है, कल से मैं तेरे लिए नहीं भिगाऊंगी। और सच में मानो मुझे इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा आफत आती है। तो अभी जितना भी मेरा ये मैसी सा हो रखा है, मैंने ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैसी हुई है इन सबको मैं ऑर्गेनाइज करूंगी। और ये मेरे पास मिठाई का डब्बा, ये लड्डू हम किसी ने हमें दिए थे लेकिन लड्डू तो खाएंगे, लेकिन हाँ ये डब्बा हमारे काम आ जाएगा बाद में। तो ये डब्बा मैं फिलहाल ऐसे फेंकूंगी नहीं, मैं इस डब्बे को संभाल के रखूंगी। तो ये बॉटल्स मैंने यहाँ पे उस जो बास्केट आपको दिख रही है उसमें मैंने सारा ऑर्गेनाइज करके सारी बॉटलें रख दी है। जो स्लैब में सारे बर्तन थे वो मैंने उठा के अपने सिंक में पटक दिए हैं, क्योंकि ये सारे बर्तन मैं धो दूंगी, क्योंकि ना किचन बहुत जब तक मैसी सा रहता है ना जाने का मन नहीं करता है, उसके बाद ही मैं सारी चीज़ें करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, बर्तन धोने के बाद गैस साफ करती हूँ, इंडक्शन साफ करती हूँ, स्लैब साफ करती हूँ, उसके बाद में झाड़ू लगाती हूँ, और ये सारी चीजें करने के बाद में फिर सारे कमरों में झाड़ू लगाऊंगी। इतना रोई कि मुझे ना आधे बर्तन ना यहाँ पे छोड़ के जाने पड़े और मुझे ना एक घंटे में सारा काम करना था। यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन को भी 15 मिनट्स हो चुके थे, फिर से मैंने इसे 15 मिनट्स के लिए और यहाँ पे आगे बढ़ाई, और उसके बाद मैं ना यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मैं सुबह के 9 बजे से यहाँ पे उठ चुकी थी, आज जब मैं बर्तन धोने आई थी तो 9:30 ऐसे कुछ हो रहे थे, और अब टाइम हो रहा है 12:30 टाइम हो रहा है, मतलब उसने जब तक वो सोई नहीं तब तक मुझे उसके ही सामने बैठना पड़ा, अब वो फाइनली सो गई है। तो यहाँ पे मैं अब आई हूँ यहाँ पे किचन में साफ़ करने के लिए, जो बर्तन मैंने वॉश करने के लिए रखे थे वो सूख गए थे। इसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे अपनी गैस वैस साफ़ करने के लिए, मतलब मुझे पूरा मेरा इतना टाइम उसने वेस्ट किया। और बहुत से बोलते कि ना अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, नहीं हो पाता है अर्ली मॉर्निंग उठना, क्योंकि ना रात को उसके साथ ना उठना पड़ता है, फीड करवानी पड़ती है, तो मेरी ना नींद पूरी नहीं होती तो मेरी ना आँखों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिससे मेरा हेडेक और पूरा मेरा जो ये दांत वाला साइड होता है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है। इसलिए मैं ना अपनी नींद पूरी लेती हूँ, भले ही मैं शाम को रात को ये बहुत देर सोती, चाहे मुझे मॉर्निंग जल्दी ना उठना पड़े, हाँ लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट मुझे मॉर्निंग ही करना पड़ता है क्योंकि बहुत भूख लग जाती है। उसके बाद चाहे मुझे काम 11 बजे करना पड़े 12 बजे करना पड़े, तो ये सब चीज़ मेरा इतना डीले हो गया ना आज तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया।
पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया है, जो मेरा किचन का जो मेन होता है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने किचन अपना क्लीन कर दिया है और यहाँ पे मैंने सफाई ले ली है, क्योंकि जो हम जिससे वॉश करते हैं या जिससे हम स्लैब वगैरह साफ़ करते हैं ना, उसको साफ़ करने के लिए, तो जैसे किचन के कपड़े ना किचन में ही धो से बाथरूम तक मत ले जाओ। तो मैंने यहाँ पे गरम मतलब पानी कर रही हूँ और इसके अंदर मैं डिशवॉश डालूँगी। डिशवॉश डालने के बाद मैं इसमें जो मैं किचन में जो कपड़ा यूज़ करती हूँ, वाइप यूज़ करती हूँ, उसे मैं अच्छे से रख दूँगी 4-5 घंटे के लिए। और क्योंकि 12:30 तो हो चुका है और उसके बाद तो मैं सीधा किचन में आती हूँ शाम को, तो 4-5 बज ही जाते हैं। तो ये तब तक जितना भी इसमें जो चिकनाई वगैरह होती है ना वो अच्छे से निकल जाएगी। अब मेरा टर्न आ गया है झाड़ू लगाने का, तो मैं किचन में यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और अब मैं फटाफट लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि किचन का ही काम मेन होता है, लोडिंग वाला होता है। अगर किचन साफ हो जाए ना तो सोचो घर पे तो फिर यूँ काम हो जाए, क्योंकि हमने पूरा अरेंज तो किया रहता है, क्योंकि जो मैसी सब हुआ रहता है उन सबको हमने ऑर्गेनाइज़ कर ही देते हैं। उसके बाद किचन ही होता है जो बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग तक बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ होता है। इसके बाद अगर ये चीज़ें साफ़ हो गई तो फिर झाड़ू पोछा लगाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब मैं लगाती हूँ यहाँ पर फटाफट झाड़ू सारे कमरों में, किचन में, हॉल में। मेरा झाड़ू पोछा अच्छे से लग चुका है, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है और अलाया अभी तक सो रही है और अब मैं उसको उठा दूंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा उसे सोने नहीं दूंगी, नहीं तो फिर ना वो ना इवनिंग के टाइम पे फिर उसे नींद आने लग जाएगी। अभी आ जाती बाहर की बालकनी, यहाँ इतनी ज़्यादा धूल है, रोज़ साफ़ करने के बाद भी बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। कुछ तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दिल्ली में, पता है ये बहुत ही ज़्यादा धूल है। यहाँ पर रोज़ पोछा लगाने के बाद भी ना ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितने टाइम से पोछा नहीं लगाया होगा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट में पोछा लगा रही हूँ और मेरी बहन मुझे कहती है ना तो यहाँ पे पोछा नहीं लगाती, जबकि मैं डेली पोछा लगाती हूँ, लेकिन शाम तक इतना बुरा हो जाता है ना कि बस पूछो मत। तो यहाँ पे मैंने फाइनली पोछा लगा दिया और जो पानी बचता है ना मैं उसके वाले होल में डाल देती हूँ जो साइड में दिया हुआ है। से सो रही है और जो इसका कार्टून है ना, अगर ये मॉर्निंग में खुल जाता है तो इवनिंग में ही बंद होता है, क्योंकि कंटिन्यू कार्टून, क्योंकि मैं इधर उधर रहती हूँ तो मैं उसके लिए कार्टून वगैरह लगा देती हूँ। और फाइनली मैंने कपड़े धो दिए और कपड़े इतने सारे थे, मैं सोच रही थी मैं इनको कैसे लेके जाऊँ, तो मैंने पकड़ लिया बड़ा सा टब और मैं सोच रही थी कि अलाय को उठाऊँगी, इसके उठने का टाइम भी हो गया था क्योंकि 1 घंटा बहुत इनफ होता है। और उसके बाद मैं सोच रही थी मैं छत में जाऊँगी कहीं ये उठ ना जाए, उस बीच में तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसलिए मैंने फटाफट यहाँ पर रखा। और इतने में ना मैंने कहा ये दूध भी गर्म हो जाएगा जब तक मैं छत से आऊँगी कपड़े डाल के। तो हमारा सेकंड फ्लोर में हम रहते तो हमारा है 5th फ्लोर में है जो टेरेस है, तो यहाँ पे ना मैंने अपना दूध वगैरह चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं चले गई हूँ छत पे कपड़े लेके।
में इतनी धूप ना आंखें नहीं खुल रही थी, पता नहीं चल रहा था। और मैं ना कैमरा सेट कर रही थी, वो कैमरा कब नीचे गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। और एक बार भी मेरा फ़ोन नीचे गिर गया, बहुत ही ज़्यादा धूप थी। फटाफट मैंने कपड़े लगाए, तो अपनी तार तो भरी भरी, दूसरों की तार में भी अपने कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। और मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं अलाय ना रो रही हो, क्योंकि ना ऐसा होता है ना, कुछ भी आवाज़ गूंजती है ऐसा लगता है बस अपना बच्चा ही रो रहा है। यहाँ पर मेरा कैमरा नीचे गिर चुका था, मुझे पता भी नहीं चला। तो फाइनली मैंने कपड़े यहाँ पर डाल दिए हैं, जा रही हूँ कपड़े डाल के मैं फटाफट नीचे जा रही हूँ। वाओ मैं कितनी चमक रही हूँ ना धूप में, अंदर तो ऐसा लगता है पता नहीं, क्योंकि मुँह हाथ धोने का तो टाइम ही नहीं लगता है। यहाँ पे चिया सीड्स का पानी था, तो फाइनली मैंने कहा चलो यार इसका यूज़ किया जाए, तो मैं इसको मैंने पिया चिया सीड्स का पानी। और अब बस मुझे क्या करना है, फाइनली यार इतना टाइम तो लगता है नहीं कि हम पार्लर वगैरह जाए, तो थोड़ा सा बहुत इतना स्किन केयर रूटीन भी कर लेते। तो आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा, मैंने ना आलू का कुछ बनाया था, आलू के रस और हल्दी और जो बेसन का कुछ फेस पैक बनाया था, बस मैं उसको ही लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने अपना फेस पैक लगाया, और इसको ज़्यादा टाइम ही रखूँगी, क्योंकि ना मैं ज़्यादा टाइम ना बैठ नहीं सकती, किसी चीज़ का वेट नहीं कर सकती, नहीं तो ना खुजलाने का मन करता है, इचिंग सा होता है। तो मैंने 2-3 मिनट रखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सूखने नहीं देती हूँ, क्योंकि सूखने के बाद ना मुँह अजीब सा पटपड़ा सा टाइट सी हो जाती है स्किन। उसके बाद उसको जैसे स्क्रब करते उसी तरीके से बस इसको 2-3 मिनट मसाज किया, और उसके बाद मैं यहाँ पर फाइनली नहा गई। तो यहाँ पे मैं फाइनली नहा के आ चुकी हूँ। पैक लगाया था कि वो काम किया, वो मुझे आप बताना। फिलहाल मुझे तो अपना चेहरा वैसे ही लगता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे टॉवल वगैरह जो गीले रहते उसे बाहर सुखाने के लिए आ गई हूँ। और अब ना अलाया को भी उठाने का टाइम हो गया है। सोचा यार अगर नहा गई हूँ वीडियोज़ बना रही हूँ, तो वीडियोज़ बनाते बनाते चलो यार इसी कारण से हम थोड़ा बहुत अपना स्किन केयर रूटीन कर देते। कुछ ज़्यादा तो नहीं मॉइस्चराइज़र लगाया, और मॉइस्चराइज़र के बाद मैंने यहाँ पर लगाया है सनस्क्रीन। इस सनस्क्रीन को मेरे पास 3 मंथ हो चुके हैं, याद आता है तो लगा देती हूँ, नहीं तो भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन लगा दिया है, और अब आती है बारी अलाया को उठाने की। अलाया को उठाने गई, तो मैंने देखा अलाया ना मेरे सामने खड़ी हुई है, वो मुझसे मेरे उठाने से पहले ही उठ चुकी है। तो यहाँ पे मैंने ये दूध रखा हुआ था, और अब मैं दूध को यहाँ पे बंद कर देती हूँ। बंद करने के बाद से रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि मुझे इसमें जमानी है मोटी मोटी मलाई, ताकि मैं इसके इसमें घी बना सकूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ अलाया के पास, और ये ब्लैंकेट थी इसको मैंने यहाँ पर अब फिर से फोल्ड कर दी है, क्योंकि अलाया सो रही थी तो मैंने उसको ये ब्लैंकेट दी। अलाया को काकुन काकुन कर रही थी, तो उसके लिए मैंने लगा दिया है कार्टून। अब वो यहाँ पे ना देखो किस तरीके से खड़ी हो गई, उसे पैंट पहनने में इतना ज़्यादा गंदा लगता है ना। फिर मैंने उसका अच्छे से यहाँ पे क्लीन अप किया, मॉइस्चराइज़र किया, और उसकी बॉडी की मालिश करी। उसको मैं डेली नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि उसको जुकाम ना लग जाए। तो यहाँ पर हम फाइनली अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, और इसके बाद मैंने लिया है फ्रूट्स में अंगूर लिए हैं। और हमारे यहाँ कहते हैं ना बच्चे को अंगूर नहीं देते हैं, तो मैंने अलाया को अभी तक अंगूर दिया नहीं, और वैसे भी वो खाती नहीं है। वो सोचती है पता नहीं क्या है, अगर मैं उसे दे भी दूँ ना हाथ में तो वो नहीं खाती है। फिर भी उसने अपने लिए एक बाइट लिया, उसने मुँह पर डाला और नीचे फेंक दिया, उसने नहीं खाया ये अंगूर। पता है ये इतने प्यार से बोलती है ना मम्मी खाओ मम्मी खाओ, तो ये ना मुझे ना यहाँ पे ना सर्व कर रही थी अंगूर, मम्मा आप खाओ खाओ। तो मैंने उससे बोला ना आप भी इसमें से बेटा एक लो, तो उसने ना लिया और फिर ना उसने गिरा दिया। उसके बाद ना खाने के बाद मुझे कहती है अपने हाथों से फिर इसने मुझे खिलाया। पता है इतना क्यूट लगता है ना, इतना क्यूट तरीके से बोलती है ना, बच्चा जब छोटा होता है ना वो कुछ भी चीज़ बोलता है तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। और देखो यहाँ पर उसने मुँह पर डाला, फिर वो फेंक भी देगी, उसे ये ना अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। मैं जैसे सोच रही थी अलाया को फिर से निन्नू करवाती हूँ, उसके बाद वो अपनी आंटी के पास चले गई और बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगी मेरे लिए ना गाना लगाऊँ, मैं गाने में डांस करूँगी। और ना हमें उठाने की कोशिश कर रही थी कि उठो और मेरे साथ ना यहाँ पे डांस करो, तो बहुत ही ज़्यादा उसने इंजॉय किया। तो यहाँ पे ना 3:30 बज चुके थे।
मैं रूम पे आई और दिन में क्या बनाती, तो मैंने लिया अपने के लिए एग भुजिया बनाई, चाय बनाई, टोस्ट बनाए। उसके बाद मैंने ये अच्छे से खाया और उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगी थी क्योंकि 3:30 हो चुका था। अलाय के लिए मैंने इसमें जैम लगाए लेकिन उसने नहीं खाया, उसे पसंद नहीं आया, थोड़ा सा बाइट लिया उसके बाद उसने नहीं खाया। चाय की बहुत शौकीन है, चाय पी उसने अपनी। उसके बाद यहाँ पर उसके लिए कार्टून लगाया, अपना कार्टून देख रही थी। फिर ना मुझे ना अब होली के लिए घर जाना है तो मुझे ना अपने कपड़े डिसाइड करने थे, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। जब से हम ट्रांसफ़र आए तब से मैंने ना ये बैग नहीं खोले हैं और ना ये बैग देख के खुलते ही हमारी फ़ोटो मुझे सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दी जो कि हम घूमने के लिए गए थे, अपनी फ्रेंड्स के साथ गए थे, वहाँ पे हमने क्लिक कराई थी। तो सारे कपड़े निकाल के मैंने अलाय के कपड़े बिल्कुल अलग कर दिए हैं, उसका सूटकेस मैंने अलग कर दिया, अपना अलग कर दिया, जो मुझे ले जाना है मैंने वो साइड कर दिया। बिकॉज़ अभी ना पूरा ठंडा तो नहीं गया है, बच्चे के लिए तो ठंड नहीं गई है, तो थोड़ा बहुत वार्म वाला मैंने रखा हुआ है। तो फाइनली यही था मेरा आज का व्लॉग। तो आई होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय और अलविदा। हेड डाउन।